हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटीएम एंट्री के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 अप्रैल 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटीएम एंट्री में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन 3.76% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। 46.40 पे क्लोजिंग हमें थर्सडे के देखने मिल रही। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, लेकिन मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जरूर देखने का। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज के लिए नीचे की साइड में छोटी सी विक भी हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो 46.43 के आसपास 46.47 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो स्लाइट एक पॉजिटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर है नेगेटिव मूवमेंट का पॉजिटिव साइड का। सबसे पहले हमें डाउनसाइड जो स्टॉक में 46.14 के आसपास देखने मिला उसको भी क्रॉस कर दिया गया तो स्टॉक में डाउनसाइड जो हमें 45.54 तक जो है देखने मिला। वहां से हमें एक रिवर्सल वापस आते हुए देखने मिला 46.04 के आसपास। तो इस तरह का हमारा मूवमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों के लिए। बाकी यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करने स्टॉक कभी भी आपको जो है अराउंड 45-78 के आसपास आते हुए देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म लेवल्स है। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जाए 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने करंट प्राइस में रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे 41-36 के आसपास कभी भी स्टॉक है जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल है तो 100% कैपिटल नहीं डालना है, 20-25% तक आप कैपिटल डालें। बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें, जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखना मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एज सच मार्क्ड है। डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस में थोड़ी सी मार्किंग जो करके रख देता हूं। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग से बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर आप सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो 46.46 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 46.19 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 46.50 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 45.90 का, उसके बाद क्या था 45.61 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 46.93 का, उसके बाद क्या था 47.21 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर आप उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड लिख। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे 46.50 से लेकर 46.93 के रेंज में हमें क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी गैप अप भी ओपनिंग हमें देखने मिल सकती है, लेकिन इसी रेंज में हमें क्लोजिंग में आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।